अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द ओनर रिव्यू ऑफ चंगान होस्टल लुमियर। बेसिकली इससे पहले भी मैंने चंगान की जो है काफ़ी लुमियर के बारे में मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं और उस पर थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। अच्छे व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर। सो कपल ऑफ पीपल वर आस्किंग कि आप प्रॉपर इसका ओनर रिव्यू लेके आए बहुत पहले। सो आई हैव डिसाइडेड मैंने उस टाइम ओनर रिव्यू बेसिकली लेके आए। तो दिस इज़ बेसिकली द डिटेल्ड रिव्यू। इसके अंदर आपको चंगान हॉस्टल के जितने फीचर्स हैं, जितने इसके ड्रॉबैक्स हैं, ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपको बताई जाएगी। सो वीडियो के साथ जो है बंधे रहिएगा और इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन एज़ वेल। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली द कार आई हैव इज चंगान होस्टल लुमियर। लुमियर इज़ बेसिकली द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एंड इसमें जो चंगान के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं। चंगान कंपनी जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय मास्टर मोटर्स चंगान और इनका जो ग्रुप है वो युगांग बसेस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले लोग पाकिस्तान में फर्स्ट ग्रुप था और सक्सेसफुली जो है इनका चंगान कारवान पहले लॉन्च हुआ जो कि एक सक्सेसफुली रन हो रहा है जिसका कंपेटिटर था उससे पहले सुजुकी बुलान। 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो इनका बेसिक वेरिएंट है। उसके बाद जो मिड वेरिएंट है वो इनका डीसी कंफर्ट है 1.5, ठीक है। और फिर जो लुमियर है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विद सन एंड क्रूज कंट्रोल एज वेल। सो बेसिकली जो अभी हमारे पास इस वक्त गाड़ी है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसके जो कंपेटिटर्स के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो इसके कंपेटिटर्स हैं वो हैं टोयोटा यारिस, होंडा से लुमियर 1.5। इट्स बेसिकली वैल्यू फॉर द मनी। अब इस गाड़ी की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके फीचर्स में जो सबसे मेन गाड़ी का जो शशका है वो ये है कि इसकी शेप एंड इसका जो पावर स्टीयरिंग है इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कार और इसका जो स्टीयरिंग है आई कैन बेट यू दैट ये आपकी जो होंडा सिटी एंड आपकी जो यारिस है उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिटी एंड यारिस। उसके बाद देखा जाए तो 1.5 लीटर इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है। 1.5 इज़ बेसिकली इट्स ब्लू कोर इंजन और ब्लू कोर इंजन के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इनका जो ब्लू कोर इंजन है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसने विन किया है इनका जो ब्लू कोर इंजन है, बेसिकली इनकी ब्लू कोर टेक्नोलॉजी। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो मुझे शहर के अंदर ये गाड़ी जो है विद इन द सिटी विद एसी इट इज़ गिविंग मी अराउंड 12-13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवेज की जहाँ तक बात की जाए आई हैव ड्रिवन दिस कार अराउंड 3000 किलोमीटर्स और इसमें मैंने मेरा जो है वो झेलम का चक्कर लगा फ्रॉम इस्लामाबाद टू झेलम और उस पर विद एसी तीन बंदे जो है पीछे बैठे हुए थे एंड दो बंदे आगे बैठे हुए थे विद 5 पैसेंजर्स विद एसी इस गाड़ी ने आराम से मुझे 17-18 की एवरेज दी है विच इज़ आई गेस फिनोमिनल। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आप में इसको जो इसका HMI डिस्प्ले है ये देखने को मिलता है। देखने के बाद आपको यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स के साथ आपको इसका जो लाइक ये AC के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, डिफोगर के कंट्रोल्स हैं, बैक डिफोगर है। बैक डिफोगर के बाद आपका जो ये इस तरह से आपका इसका कंट्रोल होता है, ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है बट ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक इसमें फीचर्स इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद इसके जो एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स बहुत खूबसूरत हैं, ये बहुत ही नॉन कन्वेंशनल टाइप जो हैं ये क्लिक होते हैं और बहुत ज़बरदस्त एसी वेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद इसका मीटर आ जाता है, मीटर के ऊपर आपको ये आपकी ट्रिप की रीडिंग बताता है, आपकी जो गाड़ी है उसकी कितने किलोमीटर्स ड्राइव हो चुकी है ये बताता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके मज़ीद RPM का ऑप्शन है, RPM यस इसका डिजिटल RPM है जो कि लाइक एनालॉग होता तो ज़्यादा बेहतर होना था बट डिजिटल क्योंकि अब यूज्ड होने वाली बात है। उसके बाद एवरेज जो है वो यहाँ पे अभी 7.6 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज गाड़ी बता रही है।
उसके बाद डिस्टेंस टू ट्रैवल जो मैंने अभी करना है वो 193, मतलब डिस्टेंस जो है वो इतने पेट्रोल के अंदर गाड़ी चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसका सनरूफ का फीचर है, ये सनरूफ जो है, सनरूफ के साथ साथ यहाँ पे आपको दो लाइट्स दी गई हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, बट ये दीज आर विदाउट द लाइट। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये सनरूफ आ जाता है। तो सनरूफ के बाद इसके जो साइड की जो डोर्स की जो लॉक्स की क्वालिटी है ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको यहाँ पे क्रोम की जो है वो फिनिशिंग मिल जाती है। फिर इसके बाद ये सारा प्लास्टिक मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो स्टेयरिंग है इसका बेसिकली बहुत लाइट और बहुत कम्फर्टेबल स्टेयरिंग है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इस गाड़ी की जो हेडलाइट जो है उसके एडजस्टमेंट हो सकती है। यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हेडलाइट एडजस्टर है, एडजस्टर के साथ यहाँ पे ये वाला बटन है इसका बूट ओपनर। बूट ओपनर के बाद जो इको आइडल का जो फंक्शन है यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके जो मिरर्स हैं ये यहाँ साइड से इसके मिरर्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मतलब एक फंक्शन है जो कि राइट पे आप करेंगे तो फिर इसका राइट वाला मिरर को मूव करेंगे, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाले मिरर को आप अपने तरीके से एडजस्ट करेंगे। जो ये गाड़ी जो है डिफरेंट बनाती है आपको बाकी गाड़ियों से, इसमें जो एडिशनल फीचर आपको दिया गया है वो है सनरूफ, जो कि इसकी कैटेगरी के अंदर किसी गाड़ी में भी सनरूफ की जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। सनरूफ इस और उसके अलावा आप अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो यारिस और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो सिटी, उसके कंपैरिजन में अगर इसको ले जाते हैं तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी दी गई है, जो कि यारिस में क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है और होंडा सिटी में भी क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो टायर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके चार जो टायर्स हैं इसके बेस वेरिएंट से लेके इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो है वो चारों टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स जो हैं, अलॉय रिम्स आते हैं। आपको जब ये गाड़ी लेते हैं तो इसमें मुझे टायर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके टायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बट रीज़नेबल टायर्स हैं। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो 1.5 जो है वो आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद टेक्ट्रॉनिक एज वेल। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, ठीक है। आप जब हिली एरियाज के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको स्पोर्ट्स मोड बहुत हेल्पफुल करता है, अच्छी पावर जनरेट करता है स्पोर्ट्स मोड। फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसकी जो पैडल शिफ्टर्स हैं इसमें अप डाउन गियर्स को कर सकते हैं। और इसका जो बेसिकली ट्रांसमिशन है वो है डीसीटी ट्रांसमिशन। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अच्छा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में फ्लॉज भी बताए हैं कि गाड़ी जो है वो जर्क मारती है। तो बेसिकली जर्क नहीं मारती, डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो है इस गाड़ी में डुअल जो है वो क्लच है। एक इवन इसके जो गियर्स हैं उसको इंगेज रखता है, एक और भी जो गियर्स हैं वो उसको इंगेज रखता है। साइड मिरर्स का मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी जो है वो सर्दियों में समटाइम्स ऐसा होता है कि गाड़ी में फोग बन जाती है, तो हीटेड साइड मिरर्स जब आप इसका डिफोगर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मिरर्स साइड वाले आपके हैं ये डिफोगर की वजह से जो ब्लरनेस इनमें होती है, जो शीशे ब्लर हुए होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। ये इसकी जो की है इससे ये ऑपरेट हो जाता है। और लगेज जो है वो ठीक ठाक इसमें आप रख सकते हैं। मैंने अब आप अगर देख सकते हैं तो काफ़ी हद तक इसके अंदर स्पेस है। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात करें, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस का मुझे जो है वो इशू फेस करना पड़ा है इसके अंदर। वो इशू ऐसे फेस करना पड़ा है कि जब इस तरह का रैंप होता है और उस पर आप गाड़ी चढ़ाते हैं, या रैंप पे आप जब चढ़ाते हैं तो उसको रैंप से जब उतारते हैं तो गाड़ी नीचे से थोड़ी सी लगती है। बैक साइड से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फ्रंट साइड से ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम है। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। और यस, इसके अंदर इको आइडल मोड जो है वो गाड़ी में है अवेलेबल। इको आइडल मोड इसकी बेसिकली फ्यूल एवरेज को इन्हांस करने के लिए है। ये फीचर इसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, ये आई गेस इसके किसी भी कंपेटिटर के अंदर नहीं है। जहाँ तक बात करें डिलीवरी टाइम, तो आई एम द वेरी लकी गाय, मुझे ये गाड़ी 2 दिन में चंगान इस्लामाबाद मोटर्स से ये मुझे गाड़ी रिसीव हो गई थी। यस, दो आई हैव पेड 40,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर दैट।
एंड द कलर विच आई हैव इज कॉस्मिक रेड कलर एंड आई लिटरली लव दैट कलर. इसमें गाड़ी की जो एक डिज़ाइन है उसको और ज़्यादा उभारने वाली बात है. तो आई एम डेफिनेटली विद हैप्पी विद माई चॉइस. बात की जाए तो गाड़ी पाकिस्तान में जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस इट वॉज अराउंड 25 लाख. और उस टाइम जो है ये सोचा जा रहा था इस गाड़ी को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, बट टाइम के साथ साथ इस गाड़ी ने अपनी वर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट की है. और नाउ इसकी प्राइस जो है कि डेट है 10th of May इट इज़, और इस आज की डेट में इसकी प्राइस अराउंड 33.5 है. और जहाँ तक बात की जाए तो अभी रिसेंटली चंगान के जो पेज है उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन भी आया था कि चंगान ने जो है इसकी बुकिंग सस्पेंड कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ द, उन्होंने बुकिंग जो है वो टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड कर दी थी. उसके बाद जो है अभी इनकी बुकिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हुई है. और आई एम 100% श्योर कि जिस तरह की क्वालिटी और जिस तरह की ये अपना आपको सर्विसेज इनकी प्रोवाइड की जा रही हैं, थोड़ा टाइम ही है ये गाड़ी माशाल्लाह से जो है आपको रोड पे भी बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी. अभी भी बहुत ज़्यादा रोड पे दिखती है आपको और ये और ज़्यादा आपको रोड पे दिखनी शुरू हो जाएगी. और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस गाड़ी की प्राइस जो है वो पिछले 6 मंथ्स के अंदर जो है अराउंड 8 लाख रुपीज़ जो है वो गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है. सुजुकी इन्होंने लॉन्च की थी स्विफ्ट, उसकी भी प्राइस तकरीबन 3.4 मिलियन तक है. और अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये बेसिकली हैचबैक वर्सेस सेडान, तो सेडान में विद मोर फीचर्स ये आपको जो है गाड़ी आपको मिल रही है. और अगर तो ये गाड़ी जो है बेसिकली ओन पे बिक रही है, डैट मींस के इनकी जो रीसेल वैल्यू है डैट इज़ फिनोमिनल. और थोड़ा टाइम लगेगा आप इस बिग थ्री से निकलने में कि सुजुकी होंडा और टोयोटा की जो रीसेल मार्केट है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उनकी जो है वो रीसेल है जस्ट बिकॉज के वो काफ़ी टाइम हो गया है वो पाकिस्तान में गाड़ियां सेल कर रही हैं. और एक और जो बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि बेसिकली चंगान की जो ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये गाड़ी यही वेरियंट लॉन्च हुआ है. और होता अक्सर ऐसे है कि पाकिस्तान में टोयोटा होंडा और सुजुकी की जो गाड़ी हैं पाकिस्तान में वो एक जनरेशन जो है वो पुरानी लॉन्च होती है. और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फेयर है इतने पैसे लेने के बावजूद, इतने कम फीचर्स देने के बावजूद आप बेसिक फीचर्स गाड़ी में देते थे और फिर उसके बाद आप जनरेशन भी पुरानी लॉन्च करें. तो आई नो कि आई फील लाइक दिस इज़ अनफेयर विद द कार यूज़र्स ऑफ पाकिस्तान. और हमें खुद कोशिश करनी है कि हम जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं मार्केट के अंदर हम उनको मैक्सिमम चांस दें. उनको अगर वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं वो डेफिनेटली शुड गिव देम चांस. और दिस इज़ गाइस, दिस इज़ इट. एंड इफ़ आई हैव मिस समथिंग डू मेंशन इन द कमेंट्स, मैं उस पर वीडियो बना लूँगा और आपको जो है वो फर्दर बता भी दूंगा कि जो चीज़ें मिस हो गई हैं. प्लस अगर इस रिव्यू को बेहतर किया जा सकता है, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल. और अगर कोई गाड़ी जिसका आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि इस गाड़ी का मैं रिव्यू करूं, तो डेफिनेटली उस गाड़ी का नेम वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. आप डेफिनेटली गिव द रिव्यू एज वेल. और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल आइकॉन. दिस इज सानू सुसाने फ्रॉम यूट्यूब चैनल.